हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं नया टॉपिक जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डिस्क। दिस इज़ बेसिकली फॉर आईआईटी एडवांस और कभी कभी एम्स में, एम्स तो अब ख़त्म हो गया, नीट ही हो गया, एम्स में भी कई बार क्वेश्चन आया है। ठीक है, तो आज हम डिस्क का फील्ड पढ़ने वाले हैं। ठीक है, जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो कम्प्लीट है, कम्प्लीट कंटेंट है डिस्क पे। ठीक है, उसके बाद आप डिस्क से रिलेटेड क्वेश्चन करना। ठीक है, तो चलो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डिस्क। डिस्क आप देखे होंगे, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ई ड्यू टू डिस्क यूनिफॉर्मली चार्ज्ड। डिस्क कैसा है, यूनिफॉर्मली चार्ज है। हियर इज द डिस्क, लेट अस सपोज दिस इज द डिस्क, दिस डिस्क इज यूनिफॉर्मली चार्ज्ड। ये जो डिस्क है वो यूनिफॉर्मली चार्ज है और ये डिस्क की एक्सिस है, दिस इज द एक्सिस ऑफ द डिस्क। डिस्क इज यूनिफॉर्मली चार्ज विद सम पॉजिटिव चार्ज, लेट अस काउंट सम पॉजिटिव चार्ज ऑन दिस डिस्क, देयर इज सम पॉजिटिव चार्ज ऑन दिस डिस्क। द डिस्क हैव चार्ज डेंसिटी सिग्मा। चार्ज डेंसिटी सिग्मा, सिग्मा इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी। डिस्क, डिस्क को मैं सामने से देखूंगा तो मुझे ऐसे दिखाएगा, टॉप व्यू। डिस्क को मैं टॉप व्यू देखूंगा तो ये मुझे ऐसे डिस्क दिखाई देगा और इस तरह से ये चार्जेस इस पर डिस्ट्रीब्यूट है। ठीक है, और दैट इज यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूट। ये क्या है, यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, दैट इज द टोटल चार्ज अपॉन एरिया, दैट इज द क्यू और एरिया पाई आर स्क्वायर, सरफेस एरिया। आर इज द रेडियस ऑफ द डिस्क, लेट सपोज दैट आर, कैपिटल आर इज द रेडियस ऑफ द डिस्क। तो अब हमें फील्ड कहाँ निकालना है, हम लोग को जो फील्ड निकालना है वो ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट पे। ठीक है, यहाँ से डिस्क से कुछ चले जाते हैं कुछ एक्स डिस्टेंस पे, वो वहाँ पर हमें फील्ड निकालना है कि डिस्क पर जो भी चार्ज है उस चार्ज की वजह से पी पॉइंट पर क्या फील्ड आ रहा है उसकी कैलकुलेशन करनी है। ठीक है, तो इसमें करते क्या हैं, हम एक डिफरेंशियल एलिमेंट लेते हैं। लॉजिक क्या होगा, ये जो डिस्क है वो छोटे छोटे रिंग से मिलके बना है। आई अज्यूम दैट स्मॉल रिंग कंट्रीब्यूट द डिस्क, ठीक है, मेक द टोटल डिस्क। नाउ लेट द स्मॉल डिफरेंशियल रिंग, दिस इज द स्मॉल डिफरेंशियल एलिमेंट, और ये जो एलिमेंट है इस टाइम क्या है, रिंग है। ठीक है, रिंग है जिसकी रेडियस स्मॉल आर है, इट्स रेडियस इज स्मॉल आर। ठीक है, और इस थिकनेस इज डी आर, लेट अस सपोज थिकनेस इज डी आर। इस रिंग को अब यहाँ पर दिखाओगे तो ये जो रिंग है वो ऐसे कुछ रिंग एज्यूम कर लिया हूँ ये, ठीक है, सेंटर से आर डिस्टेंस पे जाके टोटल रेडियस कैपिटल आर था, और इसकी ये वाली जो थिकनेस है, ये जो थिकनेस है, दैट थिकनेस इज विड्थ डी आर, विड्थ इज द डी आर। Getting you properly, this is the differential ring है। ये क्या है, एक ring है। अगर मैं इस ring को बाहर बनाऊँगा, ठीक है, तो ये मुझे ring ऐसे दिखेगा, look like this, this is the ring। ये जो ring है वो मुझे कुछ ऐसा दिखेगा, ऐसा कुछ, ठीक है, जिसकी radius small आ रहा है और जिसपे जो charge आया होगा वो डी क्यू, सरफेस चार्ज डेंसिटी इज द सिग्मा, और इस पर जो चार्ज आया होगा वो डी क्यू आया होगा। ठीक है, और हियर इज द पॉइंट पी,
यहाँ से x डिस्टेंस पे पॉइंट P है जहाँ हमें फील्ड निकालना है, ठीक है, समझना पहले। तो अब हम ये जो रिंग है, ये जो डिस्क है पूरा ऐसे ऐसे रिंग से मिलके बना हुआ है, रिंग 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 कंट्रीब्यूट द डिस्क। तो सबसे पहले हम अगर मैं इसको और ज़्यादा खोलूँ, इसको मैं और ज़्यादा रिंग को खोलूँ, तो ये मुझे रिंग ऐसे दिखेगा। दिस इज़ द रिंग जो मैंने, जिसकी जो विड्थ है, ये वाली जो विड्थ है वो डी आर है, और इट्स टू पाई आर इज द लेंथ ऑफ द टोटल रिंग एंड इट मस्ट कंटेन सम चार्ज डी क्यू, इट मस्ट कंटेन सम चार्ज डी क्यू, ठीक है। तो इस रिंग को मैं काट के खोल दिया, काट के खोल दिया, तो ये रिंग मुझे ऐसे दिखेगा ये। अब सबसे पहले हम डी क्यू कैलकुलेट करेंगे, वी विल कैलकुलेट डी क्यू फर्स्ट आफ्टर दैट। मतलब अगर मैं, मेरा लॉजिक क्या बना, इस रिंग का जो फील्ड है, छोटे से रिंग का फील्ड निकाल लूँ और उसके बाद इंटीग्रेट कर दूँ, तो मेरा जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। आ रहा समझ में? स्मॉल रिंग का फील्ड निकालो और उसके बाद इंटीग्रेट कर दो, प्रॉपर लिमिट लगा के सोल्यूशन हो जाएगा। तो चलो इसको पहले, सबसे पहले डी क्यू कैलकुलेट करते हैं, देखते हैं कितना चार्ज आया है डी क्यू। तो डी क्यू इज बेसिकली डी क्यू इज क्या है, डी क्यू सरफेस चार्ज डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाई ओ स्मॉल एरिया, दैट इज एरिया। हाउ मच दिस रिंग हैव एरिया, दैट इज स्मॉल एरिया डी ए, दैट इज टू पाई आर मल्टीप्लाइड बाई डी आर, इट बिहेव लाइक ए रेक्टेंगल। आफ्टर दैट कटिंग आई ओपन, इट बिहेव लाइक रेक्टेंगल। सो अल्टीमेटली जो स्मॉल चार्ज है डी क्यू, इस रिंग में कितना चार्ज आया, इस रिंग में चार्ज आया सिग्मा टू पाई आर डी आर। दिस इज द स्मॉल चार्ज इन दिस डिफरेंशियल रिंग। इस डिफरेंशियल रिंग में जो चार्ज आया डी क्यू, दैट इज जो भी प्लस प्लस चार्ज है वो, दिस इज द डी क्यू, इसमें जो चार्ज आ गया, ठीक है, ये बात आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अगर ये बात आपको क्लियर हो गया कि इसमें इतना आ गया, तो अल्टीमेटली मुझे कैलकुलेट करना है अब इस रिंग का फील्ड लिखते हैं, रिंग का, इस डिफरेंशियल, इस रिंग का फील्ड लिखेंगे। तो रिंग का फील्ड क्या होता है, याद है फार्मूला, रिंग का फील्ड जो होता है, रिंग का फील्ड ई इज इक्वल टू के क्यू एक्स ओवर एक्स स्क्वायर प्लस रिंग की रेडियस आर स्क्वायर की पावर 3/2। दिस इज द फार्मूला ऑफ द रिंग एट द एक्सिस ऑफ द रिंग विच हैव टोटल चार्ज क्यू एंड आर इज द रेडियस ऑफ द रिंग। नाउ अप्लाई दिस फार्मूला हियर। नाउ स्मॉल फील्ड डी, ड्यू टू दिस स्मॉल फील्ड ड्यू टू रिंग, इस रिंग की वजह से स्मॉल फील्ड क्या बनेगा, दैट स्मॉल फील्ड इज डी। तो डी अल्टीमेटली लास्टली मुझे डी जो मिलेगा, डी वो मिलेगा के, इस रिंग में कितना चार्ज आया, तो इस रिंग में चार्ज डी क्यू आया। एक्स क्या है, रिंग से एक्सिस का डिस्टेंस एक्स ही रहेगा, ठीक है। अल्टीमेटली एक्स क्या है, एक्स वही वेरिएबल है, रिंग की रेडियस आर स्क्वायर है, पावर 3/2। दिस इज द डिफरेंशियल रिंग, द फील्ड विच कंट्रीब्यूटेड। नाउ लेट अस पुट द वैल्यू ऑफ डी क्यू, डी क्यू की वैल्यू रखो। तो डी क्यू की वैल्यू रखोगे तो क्या मिलेगा, पुट द वैल्यू ऑफ डी क्यू एंड वी विल गेट स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड डी इज इक्वल टू के, डी क्यू की वैल्यू रखो, डी क्यू की वैल्यू कितना है, सिग्मा टू पाई आर डी आर एंड हियर इज अनदर एक्स, दैट इज ऑफ्टर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। दिस इज द स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल रिंग, गेटिंग यू प्रॉपरली। चलो तो अब अगर इतना मुझे मिल गया, तो अब मैं इसको इंटीग्रेट कैसे करूं,
ठीक है, अगर x में dx में इंटीग्रेट हो रहा है तो dr में इंटीग्रेट हो रहा है, तो dr में इंटीग्रेट होने के लिए लिमिट देखो r की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक चेंज हो रही है, r डिस्क में लिमिट देखो r इज इक्वल टू हियर r इज इक्वल टू जीरो, r इज इक्वल टू जीरो टू r इज इक्वल टू कैपिटल R, लिमिट विल गो लिमिट जो जाएगा वो r इज इक्वल टू जीरो टू r इज इक्वल टू कैपिटल R, इससे हमें क्या हो जाएगा कंप्लीट डिस्क का फील्ड मिल जाएगा। हम जोड़ लें ऐसे छोटे छोटे रिंग से मिलके पूरा डिस्क बना हुआ है, तो यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ तक जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं ये लिमिट यहाँ पे रखूँ, ठीक है, यहाँ पे रखूँ, चलो इसको सॉल्व करते हैं, इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करते हैं, यही हमें देगा फील्ड। तो अगर मैं नेट जो टोटल फील्ड E इज इक्वल टू इंटीग्रेशन R इज इक्वल टू जीरो टू R इज इक्वल टू कैपिटल R, और ये इंटीग्रेशन जीरो टू कैपिटल R, ठीक है। तो अब जो कांस्टेंट है, जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो कांस्टेंट है उसको बाहर ले लो, K सिग्मा टू पाई X कांस्टेंट है, ठीक है। जो इंटीग्रेशन के अंदर बचा वो बचा R, ठीक है, और आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 दैट इज द डी एक्स, ठीक है, और आर इज इक्वल टू जीरो डी आर आर इज इक्वल टू जीरो टू कैपिटल आर। अब हाउ विल इंटीग्रेट दिस, इसको इंटीग्रेट कैसे करोगे, सब्सटीट्यूशन मेथड, लेट अस सब्सटीट्यूट, पुट इसमें पुट करो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, नाउ वी वॉन्ट डी आर नाउ डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू वाई, दैट इज टू आर डी आर अपॉन डी वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज ए कॉन्स्टेंट, इसका डिफरेंशिएशन टू वाई, ठीक है। अल्टीमेटली टू टू क्रॉस इज इक्वल टू आर डी आर इज इक्वल टू y dy, this is the final, put here all this data, this one and this one put in this equation। तो अगर यहाँ पर मैं रखूँ तो मुझे फाइनली जो मिलने वाला है वो जो फाइनली मुझे मिलने वाला है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वो जो मुझे मिलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू K सिग्मा 2πr K sigma 2 pi x and limit 0 to capital R and capital R, now put R dr is equal to y dy here x square y square and y square will cancel out, that y cube, and this is the final integral। Now electric field E is equal to k ko khol do, k is a constant, its value is 4 pi epsilon not in electrostate, okay, is equal to sigma 2 pi x and it will integral 0 to r 1 upon y square dy, 1 upon y square integration, what will be the 1 upon y square integration, finally e is equal to 2 sigma x over 2 epsilon naught, this is the here, and it integration we get minus 1 upon y and limit 0 to r, what is the y from here we get y यहाँ से हमें मिल जाएगा, यहाँ से y की वैल्यू कितनी है वो हमें यहाँ से मिल जाएगा, तो y की वैल्यू यहाँ से जो y आ जाएगी y that is equal to r square plus x square under root, this is the y, यहाँ से y हमें मिल गया, ठीक है। After that put here y and put the limit we get the final result, y e is equal to sigma x 2 epsilon naught that is minus 1 upon y,
y is equal to x square plus r square under root, that is equal to 0 to r. This is the 0 to r. This is the final. Now put the value of the limit r, ultimately we get. So electric field E is equal to sigma x is equal to 2 epsilon naught. Sigma is equal to 2x epsilon naught. If put r is equal to 0, r is equal to 0, that is the r is equal to 0 x. X, remaining x will cancel out, minus 1 plus 1 minus x over x square plus capital R square under root radius. This is the final electric field due to disk. Okay? Ultimately, we get, this is the electric field due to here. This is not x, this is nothing else. This is the electric field due to disk. So disk ke एक्सिस पर हम फील्ड निकाल लिए. तो डिस्क, अगर डिस्क है कोई, ठीक है, तो उसके एक्सिस पर इतनी फील्ड होती है, सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट वन माइनस एक्स एक्स स्क्वायर आर स्क्वायर अंडर रूट. बी रिमेंबर, वीडियो पॉज करो और उसको कई बार देखो, अगर एक बार समझ में नहीं आता है तो. ठीक है, चलो अगर अब इसमें स्पेशल केसेस डिस्कस करते हैं. केस फर्स्ट, इफ केस फर्स्ट इसमें डिस्कस में कर रहा हूँ. बहुत सारे केसेस हैं, पॉसिबिलिटी हैं. पॉसिबिलिटी, इफ एक्स इज वेरी वेरी लार्ज, ठीक है, इफ एक्स इज वेरी वेरी ग्रेटर देन कैपिटल आर, मतलब ये जो डिस्क था, ठीक है, इसकी वजह से जो फील्ड कंट्रीब्यूट हो रहा था, देर आर सम पॉजिटिव चार्ज ऑन डिस्क. यहाँ पर पी पॉइंट था, दिस इज द एक्स एंड दिस इज द रेडियस आर एंड दिस इज द फील्ड वी कैलकुलेट हियर. If x is very far away, x बहुत ज़्यादा दूर हो, तो मुझे डिस्क पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करते हुए नज़र आना चाहिए. The disk will behave like a point charge, logically. But what about mathematically? तो लव, ठीक है, क्या हमारा फार्मूला सही है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट वन माइनस एक्स ओवर एक्स स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर अंडर रूट, ये वाली जो चीज़ है. ठीक है, तो अगर डिस्क बहुत ज़्यादा दूर है तो सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट और वन माइनस वन वन, इसको नीचे लेके आओ और ये वन अपॉन एक्स बचेगा. ठीक है, तो वन अपॉन एक्स को अंदर घुसा दोगे तो एन प्लस एक्स आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बचेगा पावर वन बाई टू. ठीक है, तो अल्टीमेटली सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट एंड वन माइनस, इसको ऊपर ले जाओ, बाइनोमियल लगा दो, अप्लाई द बाइनोमियल थ्योरम. ठीक है, और इसको ऊपर ले जाओ, बाइनोमियल लगा दो, तो वन माइनस आर स्क्वायर ओवर टू एक्स स्क्वायर, इसको ऊपर ले गए और बाइनोमियल लगा दिए. तो ऊपर ले गए, अगर बाइनोमियल लगा दिए तो चलो हम लोग देखते हैं क्या मिलता है. अब इसको सॉल्व करो, तो वन वन, ये वन वन खत्म हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो फाइनली सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट और यह आ जाएगा आर स्क्वायर और टू एक्स स्क्वायर, दैट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डिस्क एट वेरी लार्ज डिस्टेंस. बट ये पॉइंट चार्ज के फॉर्म में दिख नहीं रहा, तो चार्ज के फॉर्म में दिखो. तो सिग्मा क्या था? सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी था. सरफेस चार्ज क्यू है, तो सरफेस एरिया पाई आर स्क्वायर हो गया. तो सरफेस एरिया पाई आर स्क्वायर हो गया, तो अगर मैं इसमें सिग्मा की वैल्यू डालूं, तो क्यू ओवर पाई आर स्क्वायर और अल्टीमेटली फोर एप्सिलॉन नॉट, दैट इज द एक्स स्क्वायर आर स्क्वायर. नाउ आर स्क्वायर विल कैंसिल आउट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइनली वन बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर एक्स स्क्वायर, विच इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, दैट इज के क्यू ओवर एक्स स्क्वायर. दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज. तो ये पॉइंट चार्ज की वजह से फील्ड बना, मतलब रिंग को, डिस्क को बहुत ज़्यादा दूर से देखोगे तो कॉमन सेंस की बात है, द रिंग विल बिहेव लाइक ए पॉइंट चार्ज. चलो, तो ये हम रिंग को बहुत दूर से देखें. केस टू,
case 2, if we put x is equal to 0, what is the meaning of the x is equal to 0? This is the disk. This is the disk. This is the disk. Be careful. Disk have some positive charge. Here is the point P and this is the distance x. X is equal to 0. Yeah, x approach to 0. Bahut pass. X. Now electric field will be, electric field is equal to sigma upon 2 epsilon naught 1 minus x over x square plus is capital R square under root. This is the field. If we put x is equal to 0, then we get sigma upon 2 epsilon naught. That is uniform field, uniform field where very close to the disk surface, we get uniform electric field, and this electric field will be behave like an infinite sheet. This is electric field due to infinite sheet. This is the electric field due to infinite sheet. Getting you? Matlab disk ke bahut pass ho, samajhna isko, disk ke bahut pass ho, to disk infinite sheet ki tarah behave karega aur field uniform aayega, samajhna isko. Ye disk hai, theek hai. Ab ye jo point hai, do point main leta hu, point 1 aur point 2. To point 2 inside disk है, ठीक है, और point one जो है very close to disk surface के बहुत पास है. तो इस केस में जो फील्ड होगा वो infinite sheet के इक्वल होगा, infinity sheet के इक्वल होगा, और जो कि यूनिफॉर्म होगा, कांस्टेंट होगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट. और डिस्क के अंदर, बी केयरफुल, डिस्क के अंदर इनसाइड सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड बाय सिमेट्री जीरो आती है. बाय सिमेट्री इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी जीरो इनसाइड द डिस्क, बट वेरी क्लोज टू द डिस्क सरफेस वो इनफाइनाइट की तरह बिहेव कर रहा है. ठीक है, हिंदी और देसी भाषा में बताऊं तो एक एलिफेंट है, एलिफेंट के सामने एक छोटा सा पॉइंट चीटी एंट आ जाए तो उस एंट को ऐसा लगेगा एलिफेंट इस दुनिया का सबसे, पूरे दुनिया में फैला है. ठीक है, तो वो सेम लॉजिक, ये जो पॉइंट है वो डिस्क के सरफेस के बहुत क्लोज है, तो उस पॉइंट को ऐसा फील हो रहा है कि ये जो डिस्क है वो इन्फिनिटी तक स्प्रेड है. जिस तरह से जो चीटी है वो हाथी के बहुत करीब आ जाए तो उसको लगेगा ये जो हाथी है पूरी दुनिया में बस यही है, इससे बड़ा और कुछ ही नहीं है. तो उस टाइप का बिहेवियर शो कर रहा है डिस्क. ठीक है ना, चलो अब केस थर्ड, और भी एप्लीकेशन देखते हैं. केस थर्ड, चलो केस थर्ड में हम लोग देखते हैं, इफ एनुलर डिस्क, एनुलर डिस्क हैव यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी. नाउ व्हाट इज एनुलर डिस्क? दिस इज द डिस्क विच हैव चार्ज, और हियर वन डिस्क इज रिमूव्ड. ठीक है, वन डिस्क इज रिमूव्ड. इफ यू सी इन 2D टॉप व्यू द लुक लाइक समथिंग डिस्क. दिस इज द इनर रेडियस R और दिस इज द रेडियस R2. हियर इज द चार्जेस. Charge is some positive charge is here. This is the annular disk. ये क्या है कि ये एक annular disk है और यहाँ पे जो charge है वो यहाँ है. ठीक है, और this is the axis of the disk. Getting you? तो अगर अब इस annular disk की वजह से जो electric field है वो मुझे P point पर चाहिए. This is the point. This is X. ये यहाँ से O से x डिस्टेंस पर सिचुएटेड है, तो ये जो सेंटर है वो यहाँ पे ये
अपना आर वन और आर टू, ठीक है। यहाँ से बाहर एक्स डिस्टेंस है तो हमें चाहिए स्पेस सिग्मा मान लेते हैं। मैंने एक छोटा सा डिस्क रिमूव कर दिया, यहाँ से रिमूव कर दिया छोटा सा। अब यहाँ से इस पॉइंट पे जो फील्ड चाहिए वो कितना होगा, वो तो हमें लिमिट जहाँ हम इंटीग्रेट किए थे वहाँ हमें लिमिट बदलना पड़ेगा। वी विल चेंज बेसिकली द लिमिट वेयर वी इंटीग्रेट एक्स इजक्ल टू आर इजक्ल टू जीरो टू इन्फिनिटी। तो जो हम आर इजक्ल टू जीरो टू इन्फिनिटी इंटीग्रेट किए थे वहाँ मैं लिमिट बदल दूंगा। आप देखो यहाँ पे आप लिमिट चेंज कर दो, ठीक है। ये इंटीग्रेशन कहाँ हुआ था, अल्टीमेटली इंटीग्रेशन हुआ था यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे देखिए इस वाले स्टेप में देखिए कि ई इज इक्वल टू सिग्मा एक्स एप्सिलॉन नॉट, और ये यहाँ जो लिमिट है दैट लिमिट विल चेंज R1 से R2 माइनस एक्स स्क्वायर आर स्क्वायर, और यहाँ पे लिमिट बदल जाएगा और हमें फाइनली सोल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है ना। एनुलर डिस्क का सोल्यूशन हमें मिल जाएगा। तो चलिए इसको करते हैं। दिस इज द एनुलर डिस्क। अब अगर एनुलर डिस्क है, अगर मुझे इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड E दैट इज द सिग्मा टू एप्सिलॉन नॉट दैट इज द x इंटीग्रेशन वन माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर लिमिट आर वन टू आर टू, दिस इज द स्मॉल आर स्क्वायर अंडर रूट, दिस इज द फाइनली लिमिट वी चेंज। आफ्टर गेटिंग लिमिट चेंज वी गेट सिग्मा एक्स सिग्मा एक्स टू एप्सिलॉन नॉट, इसमें मैं लिमिट चेंज कर दूं तो आफ्टर लिमिट चेंजिंग वी गेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एनुलर डिस्क, ठीक है। तो ये आ जाएगा सिग्मा x ओवर 2 epsilon naught, और इसकी वैल्यू डालो, ठीक है। इसको सॉल्व करो, फाइनल रिजल्ट राइट करो, ठीक है। तो वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर वन स्क्वायर अंडर रूट माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर प्लस आर टू स्क्वायर अंडर रूट, ठीक है। तो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एनुलर डिस्क ए डिस्टेंस x, ठीक है। x डिस्टेंस पे, ठीक है, एनुलर डिस्क की वजह से x डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की एक्सप्रेशन ये वाली होगी, ठीक है ना। चलो तो इसको नोट कर लेना। अब हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, ठीक है, फोर्थ एप्लीकेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इन्फिनिटी सीट विथ ए होल, ठीक है। इन्फिनिटी सीट है, उसमें एक क्या है, होल है। तो उसका इस डिस्क का यूज करके, डिस्क की एप्लीकेशन से यूज करके उसको निकाल सकते हो। इमेजिंग कर लो, ये लार्ज सीट है, इनफाइनाइट सीट है। दिस इज अप टू, this seat is up to infinity and this is also up to infinity, this end also up to infinity and this is also up to infinity. Here is the some charge, but here is a hole, here is a circular hole at this. We want to calculate here electric field point P है यहाँ से, जो कि x distance पे है, and charges are डिस्ट्रीब्यूट हीयर लाइक दिस, ठीक है। और ये एक इनफाइनाइट सीट है, और इनफाइनाइट सीट पे बीच में क्या है, एक होल क्रिएट है, दैट इज होल। अब वी कैन ऑल्सो क्रिएट होल ऑफ रेडियस आर, ठीक है, रेडियस आर। तो इस ये जो इनफाइनाइट सीट है, समझ रहे हो हमने इसको, अगर इसको टॉप व्यू ऊपर से देखोगे तो कुछ ऐसा दिखेगा
कि इनफाइनाइट सीट है इसकी, कोई इनफाइनाइट सीट है, दिस एंड अप टू इन्फिनिटी, दिस एंड अप टू इन्फिनिटी, दिस एंड ऑल्सो इन्फिनिटी, और दिस एंड ऑल्सो गोज टू इन्फिनिटी, एंड हियर इज द होल, दिस इज द होल ऑफ रेडियस आर, एंड हियर आर द चार्जेस, चार्जेस जो है, चार्जेस यहाँ पर है, ठीक है, सम चार्जेस आर हियर, हियर देयर इज नो चार्ज, ये दिस स्मॉल पोर्सन इज रिमूव्ड फ्रॉम दिस सीट, दिस स्मॉल पोर्सन इज रिमूव्ड आउट फ्रॉम दिस सीट, अल्टीमेटली फाइनल रिजल्ट वी गेट, वेयर वी वॉन्ट टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट आउटसाइड द बोर्ड, हियर वी वॉन्ट टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड, हियर वी वॉन्ट टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड, नाउ चेंज द लिमिट विद द प्रॉपर लिमिट, ठीक है, अगेन उसमें क्या करो, लिमिट की वैल्यू चेंज कर दो, लिमिट की वैल्यू क्या थी, इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट, में लिमिट चेंज कर दो वन माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर अंडर रूट, इसमें लिमिट चेंज कर दो एक्स इज इक्वल टू आर टू एक्स इज इक्वल टू इन्फिनिटी, ठीक है ना, तो हमें सीट का इस टाइप के सीट का मिल जाएगा, आर से आर यहाँ से स्टार्ट होके इन्फिनिटी को जाएगा लिमिट, फाइनली पुट दिस अल्टीमेटली वी गेट सिग्मा एक्स अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा एक्स अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट, एंड वी पुट इन्फिनिटी दैट इन्फिनिटी दैट वी इक्वल टू जीरो एंड माइनस माइनस प्लस अल्टीमेटली एक्स स्क्वायर प्लस दिस रेडियस इज कैपिटल आर सपोज, ठीक है, दिस रेडियस इज कैपिटल आर, नाउ कैपिटल आर स्क्वायर अंडर रूट, दिस इज द फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए डिस्टेंस एक्स फ्रॉम द सीट, देर इज द लार्ज सीट एंड देर इज अ होल ऑफ रेडियस कैपिटल आर एंड वी वॉन्ट टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट हाइट एक्स, ठीक है, दिस वन बाई चेंजिंग द लिमिट, तो दिस इज ऑल अबाउट द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द डिस्क, आई होप यू बेटर अंडरस्टैंड इट, हाउ यू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड अबाउट द डिस्क।